तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक फाइबर को नहीं काट रहा है, फाइबर अपनी पोजीशन पर बरकरार है। तो आपको लीवर के अंदर एक एलन की मिलती है, उस एलन की से आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए आपको इन दो स्क्रू को खोलना है। जब आप इस दो स्क्रू को खोलोगे तो आपका जो ब्लेड का फ्रेम होता है वो लूज़ हो जाता है। तो हम सबसे पहले इन दो स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। दोनों स्क्रू को हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, ये दोनों ओपन हो चुके हैं। हमारा ये ब्लेड का ब्लेड लूज़ हो चुका है। तो अब हम इसे एडजस्ट करने के लिए सिंपल है, ये जो ब्लेड है, ब्लेड के ऊपर भी आपको यहाँ पर एक स्क्रू दिखाई दे रहा होगा, हमें इस स्क्रू को प्रॉपरली एडजस्ट करना है। तो अगर हम इसे उल्टी डायरेक्शन में घुमाते हैं, इस डायरेक्शन में घुमाते हैं उल्टी तरफ, तो हाइट ऊपर होती है। तो आपका ब्लेड अगर कट नहीं कर रहा है तो आपको हाइट को ऊपर करना है। और आपको देख लेना है फाइबर को, आप आगे पीछे करके देखें, जिस पॉइंट पे आपका ब्लेड कट करने लगे वहाँ पर आप टाइट कर दें। तो ये इस प्रोसेस में आपको एक से दो बार इसे कट करना पड़ सकता है। तो मैंने आपकी हाइट को थोड़ा सा एडजस्ट किया है, अभी इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, देखते हैं कि ये फाइबर की कटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसने फाइबर की कटिंग कर दी है। अब हम सबसे पहले इसे मशीन पे चेक करेंगे कि इसकी फाइबर की कटिंग प्रॉपर तो आ रही है या नहीं। तो इसे मैं इस पोजीशन पर लगाऊंगा और मैं देखूंगा कि इसकी कटिंग का एंगल क्या है और किस तरीके से एडजस्टेड है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कटिंग 0 पॉइंट से नीचे आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमने राइट साइड की फाइबर की है 1.10 आ रही है। तो हमें इसे थोड़ा सा हाइट को नीचे करना पड़ेगा, हाइट को नहीं पड़ेगी हमें इनको पहले लूज डाउन करना है। हमने इसे लूज कर लिया है। अब हमें इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में हमें थोड़ा सा फाइबर को घुमाना है और फिर से हमें इन्हें टाइट कर देना है। तो हमने इसकी हाइट को एडजस्ट कर दिया है। हम चेक करते हैं एक बार कि इसकी हाइट की कैसी एडजस्टमेंट हुई है। तो मैं प्रॉपरली इसे, तो हमें इसे अभी एडजस्ट करके प्रॉपरली लगाना है। इधर दिखाओ। तो हमने यहाँ पे फाइबर को कट करके रख दिया है और चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कटिंग एंगल 0 से नीचे आ गया है और हमारा प्रॉपरली एडजस्ट हो गया है, क्लीवर हमारा एडजस्ट हो गया है, क्लीवर एडजस्टमेंट प्रॉपरली हो गया है। और यहाँ पर हमें सारे ऑफसेट भी 0-0 आ रहा है, लेफ्ट और राइट कटिंग एंगल भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा ये क्लीवर रिपेयर हो चुका है। सो बेसिकली हम इस मेंटेनेंस एलन की के थ्रू इसको पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। और आपको क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एडजस्टमेंट के बाद। एडजस्टमेंट करने से पहले आप प्रॉपरली इन सारे पैड्स को क्लीन कर लें, ताकि अगर इस पर डस्ट लगी हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन पर डस्ट लगी होती है और फाइबर प्रॉपरली कटिंग नहीं कर पाता क्लीवर, उस कंडीशन में आपको हाइट एडजस्ट नहीं करनी है। हाइट एडजस्ट करने से पहले आपको प्रॉपरली रबड़ पैड्स को क्लीन करना है। रबड़ पैड को क्लीन करने के लिए आपको उस पर एल्कोहल का यूज़ करना है और चारों रबड़ पैड्स को प्रॉपरली क्लीन कर देना है। तो इस तरीके से आपका क्लीवर एडजस्टमेंट सक्सेस हो जाता है। होपफुली आपको कई बार एडजस्ट करने में, ऊपर नीचे करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ताकि ब्लेड का एडजस्टमेंट प्रॉपर हो सके। कभी कभी ब्लेड ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, लेकिन आपको इसी प्रोसेस के थ्रू ही कटिंग को प्रॉपर करना है। थैंक्स।